हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर प्रैक्टिकल जूलॉजी का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा टॉपिक म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, और उसका सब टॉपिक जो है वो है क्लास एविज। और उसमें हम दो प्राणी हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला जो है वो आपके सामने है, ये प्राणी आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही सुंदर प्रकृति का बहुत ही सुंदर प्राणी है। और यहां पर आप जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, पेओक्रिस्टेटस और पिकॉक की फीमेल है, क्या है, फीमेल है। और ये जो आप दूसरा प्राणी देख रहे हैं वो क्या है, मेल। यानी हम आज म्यूजियम स्पेसिमेन जो है उनमें पेओक्रिस्टेटस और पिकॉक, सामान्यतः इसे मोर या मयूर के नाम से जानते हैं, पीफॉल के नाम से भी जानते हैं। और इन प्राणियों में आप जो अंतर है वो भी यहां पर आसानी से देख पा रहे हैं कि फीमेल जो है वो बहुत सुंदर नहीं है, जबकि अगर आप मेल को देखें तो बहुत ही सुंदर सा प्राणी हमें प्रकृति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी सामान्य जो जानकारी है वो इंडियन पीफॉल पेओक्रिस्टेटस, और इनको कॉमन पीफॉल या ब्लू पीफॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पीफॉल जो स्पीसीज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव स्पीसीज है, यानी यहीं पर इनका उद्भव हुआ है और इनको अन्य कई देशों में इंट्रोड्यूस भी किया गया है। तो हम अगर इनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को अगर देखें, किसको देखें, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को अगर देखें, तो यहां पर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। देखिए, किंगडम की अगर बात करें तो एनिमेलिया है, फाइलम की अगर बात करें तो कॉर्डेटा है, क्लास की बात करें तो एविज है, क्या है, एविज है। लेकिन उससे पहले आपको समूह है यानी ग्रुप, क्रेनेटा, उपसंघ या सब फाइलम, नेथोस्टोमेटा, महावर्ग की बात करें तो टेट्रापोडा, और क्लास एविज, क्लास एविज। उपवर्ग की बात करते हैं यानी सब क्लास की अगर बात करते हैं तो न्यूओर्निथिज यानी वास्तविक पक्षी जिनमें मेटाकार्पल्स जुड़ी हुई पाई जाती हैं, और पूंछ में जो 13 या उससे कम सिरुपाएं पाई जाती हैं, पाइगोस्टाइल पाया जाता है। और महागण की बात करें तो नियोगनेथी, क्या है, नियोगनेथी है। और गण की बात करें या ऑर्डर की बात करें, किसकी ऑर्डर की बात करें तो गैलीफॉर्मिस, क्या है, गैलीफॉर्मिस। और यहाँ पर इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे स्टर्नम नौतलयुक्त होता है, जब मैं आपको एविज के बारे में बता रहा था तब भी ये चीजें मैंने वहां पर बताई हैं। फैमिली की बात करें तो फैसिनिडी, जीनस की बात करें तो पेओ, और स्पीसीज को पढ़ें तो यहाँ क्रिस्टेटस, और बाइनोमियल नेम को देखें, बाइनोमियल नेम पेओक्रिस्टेटस, पेओक्रिस्टेटस गिवन बाय लिनियस इन 1758। तो यहां पर हम पिको, जिनको हम मोर या मयूर के नाम से जानते हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन अच्छे से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम मोर या मयूर के कुछ करेक्टर्स की बात करें तो यह है, अगर इसकी आवाज की बात करें तो यह है जो जंगल होते हैं उनमें, जो घने झाड़ीदार जो जंगल होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और वहां पर जल स्रोत उपलब्ध होना जरूरी है, सामान्यतः अनाज के दानों
यानी इनके क्या खाता है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो अनाज के दानों, नए उगे पौधों को खाता है, कभी कभी छोटे 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 जो सरीसृप होते हैं कीटों को भी खाता है। और अगर इसको हम देखें तो इसकी प्रकृति है वो बहुत शर्मिली प्रकृति का प्राणी होता है। इसे हिंदी भाषा में साधारणतया मौर्य मयूर के नाम से, पीफॉग और पिकोक के नाम से, जबकि इसकी जो मादा होती है उसको हम पीहेन के नाम से जानते हैं। और ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। कंपिटिशन एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम टेवो क्रिस्टेटस, बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा जाता रहा है। इसके सिर पर एक छोटी सी चोंच पाई जाती है। इसके अग्रपाद किसके लिए अनुकूलित होते हैं, दौड़ने व कूदने के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट, अगर नर मोर और मादा जो मोर है पीहेन, अगर उनको हम बाह्य रूप से अगर देखें तो आपको आसानी से पता चलता है कि मादा है वो नर की तुलना में भद्दी होती है, लेकिन यहां पर अगर नर की बात करें तो बहुत ही अत्यधिक सुंदर होता है। नर जो मोर है कि देह चमकीली सुंदर परों से ढकी रहती है। नर में सुंदर परों की लंबी पूंछ पर, पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है, और कवर्ट पिच, क्या होते हैं, कवर्ट पिच या फेदर्स होते हैं, तथा उन पर सुंदर नेत्रक रूपी, सुंदर नेत्रक रूपी ऑसिलेटेड चिन्ह। आपने मोर के पंख देखे होंगे और अपने घरों में आसानी से मिल जाते हैं। सिर पर पंखे के समान कलंगी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कलंगी या कृष्ट पाई जाती है। नर के सिर गिरवा व वक्ष पर या वक्ष का जो रंग होता है वो चमकदार नीला होता है, चमकदार नीला होता है। मादा का रंग भद्दा धात्विक हरा होता है। पूंछ अलंकृत नहीं होती है। आपने इसको देखा होगा, छोटी और भूरी व चितकबरी होती है। ये समूह में रहता है, यानी ये जो प्राणी है टेवोक्रिस्टेटस समूह में रहता है। समूह में एक नर होता है और चार से पांच मादाएं होती हैं। मादाओं की संख्या ज्यादा होती है समूह में। प्रजनन काल में आपने इसको नृत्य करते हुए या नाचते हुए देखा होगा, वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में। प्रजनन काल में नर मादा को रिझाने के लिए पूछ जो पंख है उनको फैलाकर कामद नृत्य या प्रदर्शन करता है, कामद नृत्य या प्रदर्शन करता है। और इनकी नेटिव के बारे में पहले ही बता दिया है कि ये भारत जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, उसमें पाया जाता है और अन्य देशों में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन भारत और श्रीलंका में ये बहुतायत से पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्राणी आपके सामने आ रहा है वो देखिए क्या है। आपने देखा होगा क्या है, ये राजस्थान का पक्षी है और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, कॉरियोटिस ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। अगर इसकी आप रंग को देखें, किसको देखें, अगर इसके रंग को देखें तो कैसा दिखाई दे रहा है। यहां से आप देखिए, ये इसका चोंच है, ये आंखें हैं, और ये इसकी कलंगी है, और यहाँ का रंग अलग है, यहाँ का अलग है, और इसका आवाज भी आपको नजर आ रहा है कैसा है। तो ये कहाँ का प्राणी है और किस स्थान पर पाया जाता है, अपने मरुस्थल में पाया जाता है और उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, और गुजरात में भी पाया जाता है, और राजस्थान का राज्य पक्षी, नाम सुना होगा गोडाउन। क्या है गोडाउन, एक बहुत यानी ये बड़ी सी एक चिड़िया है जो लगभग शुतुरमुर्ग के आकार की होती है, कॉरियोटिस या ऑर्डियटिस, कॉरियोटिस या ऑर्डियटिस नाइग्रेसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट,
साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम, सॉरी देखिए यहां पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लासेविज, लेकिन उससे पहले आपको समूह है क्रेनिएटा, उपसंघ नेथोस्टोमेटा, महावर्ग टेट्रापोडा और वर्ग या क्लास एविज, उपवर्ग नियोडिथिज, महागण नियोगनेथी और ऑर्डर ग्रुइफॉर्मिज या रेलिफॉर्मिज, ग्रुइफॉर्मिज या रेलिफॉर्मिज जिनकी गिरुआ व टांगे लंबी होती हैं, गण इसका ग्रुइफॉर्मिज, सॉरी गण ग्रुइफॉर्मिज या रेलिफॉर्मिज, वंश की अगर बात करें किसकी, वंश या जीनस ऑर्डियोटिस, फैमिली की अगर बात करते हैं ऑर्टिडी, और ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ग्रुइफॉर्मिस या गेलिफॉर्मिस या ऑडिटिफॉर्मिस, और फैमिली है वो ओटीडीडे, जीनस स्पीसीज की बात करें तो माइग्रेसेप्स, आर्डियोटिस माइग्रेसेप्स या कोरियोटिस माइग्रेसेप्स, बाइनोमियल नेम को देखें तो आर्डियोटिस माइग्रेसेप्स और वाइगोर, वाइगोर 1831, विगोर 1831 द्वारा ये नामकरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट कोरियोटिस या ऑर्डियोटिस माइग्रेसेप्स के करैक्टर की बात करें तो आप आसानी से इसके करैक्टर को देख सकते हैं, यहां पर मैंने कुछ करैक्टर पीछे भी बताए हैं आपको। देखिए ये घास झाड़ झंखाड़ वाले जो खुले क्षेत्र या खेतों वाले क्षेत्रों में जहां जल उपलब्ध होता है पाया जाता है, सामान्य बोलचाल में इसे गोडाउन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गोडाउन, और ये राजस्थान का राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और ये प्रश्न बहुत बार राजस्थान के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम और राज्य पक्षी के बारे में जानकारी पूछी जाती है। ये राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जाने वाली एक बड़ी चिड़िया है जो देखने पर किसके समान लगती है, युवा शुतुरमुर्ग के समान लगती है। अगर इसकी देह को मैंने पीछे के आपको जो पीपीटी थी उसमें आपको दिखाया था, देह की पृष्ठ सतह पर गहरी पीली कैसी होती है, गहरी पीली होती है जिस पर लहरियां बनी होती हैं, क्या बनी होती है, लहरियां बनी होती हैं, अधर सतह श्वेत होती है, वक्ष पर काली धारी या पट्टी पाई जाती है, वक्ष पर काली धारी या पट्टी पाई जाती है, शीर्ष पर काली कलंगी युक्त मुकुट समान संरचना, मुकुट समान काली, जो काली कलंगी युक्त मुकुट समान संरचना या रचना पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए खड़ी चिड़िया को अगर देखें तो लगभग 4 फीट ऊंचाई रखती है, और अगर इसका वजन देखें तो 8 से 14 किलोग्राम होता है। मादा छोटी व कम भार की होती है, यानी नर बड़ा होता है, और ये समूह में रहता है, 2 से 3 बच्चे होते हैं। ये अनाज के दाने, भृंग, छिड़कली, टिड्डी व अंडों का भक्षण करता है। नर बहुगामी होता है, क्या होता है, बहुगामी, यानी जो ऐसा नर जो बहुत सारी मादाओं के साथ संसर्ग करता है, कॉपुलेशन करता है, उसको हम बहुगामी बोलते हैं। तो ये 1 से 3 मादाओं के साथ संसर्ग करता है तो नर कैसा है, बहुगामी है। प्रजनन काल में नर के गले में स्पेसिफिक करैक्टर है, प्रजनन काल में, किसमें, प्रजनन काल में नर के गले में एक बड़ी ग्रंथि विकसित हो जाती है, नर मादा को रिझाने हेतु नृत्य करता है। मोर के बारे में भी आपने पढ़ा है और आपने देखा भी है, मादा एक या दो, मादा क्या करती है, एक या दो बादामी रंग के चित्तीदार अंडे देती है, अंडे झाड़ी के नीचे गड्ढा बनाकर दिए जाते हैं, यानी जो झाड़ी झंखाड़ वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है और वहीं पर यह गड्ढा बना करके अंडा देता है, अंडे देती है, और मादा है वो ही केवल अंडे को सेती है। ये चिड़िया तेज भाग सकती है, देह के भारी होने के कारण उड़ान से पूर्व, यानी ग्राउंड पर पाए जाने वाले वैसे पक्षी हैं, उड़ने से पूर्व लंबी दौड़ लगाती है। और ये जो अब आपके पास लास्ट जो बिंदु आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिकार एवं प्राकृतिक आवास, यानी इनकी संख्या अत्यधिक कम हो गई है, और इसलिए जो कोरियोटिस माइग्रेसेप्स
जो है, गोडाउन जो है उसको किस में रखा गया है, संकटग्रस्त, जो संकटापन जो जातियां हैं उनमें शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक, जो आपने कभी नाम सुना होगा, लाल आंकड़ों की लाल पुस्तिका, उसमें इसको शामिल किया गया है, और संकटापन जो जातियां हैं उसमें शामिल किया गया है। कारण है इसका शिकार और प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण इनको इसमें इनकी संख्या अत्यधिक कम हो गई है, और अत्यधिक कम होने के कारण इसको संकटग्रस्त प्राणियों या जातियों में सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।